1 अक्टूबर 1963 का मंगलवार को बंबई में क्लास चल रहा था। बाबा समझा रहे थे कि सतयुग में तो कोई भी नहीं जानते हैं कि बाप आकर के समझाते हैं, बिल्कुल नहीं जानते हैं। और फिर कारण भी बताते हैं कि क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि ये ज्ञान तुमको अभी संगम युग में मिलता है। ज्ञान का सागर बाप आते हैं, तुम्हारी सदगति करके तुमको राजभाग देने के लिए। तो तुम सतयुग में प्रारब्ध पाए लेते हो, वर्षा ले लेते हो और वहां सुख भोगते हो, फिर तो वहां ज्ञान की दरकार ही नहीं है। अगर फिर उनमें ज्ञान होता कि अभी हम 16 कलह हैं, और कल ही कहेंगे नीचे गिर गए। देखो हम लोग कहते हैं ना, कल स्वर्ग आएगा, अभी नरक है। तो कल हम फिर 2 कला कम हो जाएंगे और थोड़े जन्म के बाद फिर हम वाम मार्ग में गिरेंगे, तो विचारों का वो सुख एकदम छिन जाएगा। और फिर ज्ञान है सदगति के लिए, और वहां सतयुग में तो है ही सदगति, वहां ज्ञान की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहां इस दुनिया में है दुर्गति। तो दुर्गति को सदगति बनाने वाला तो एक ही बाप है, बाकी तो दुनिया में सारे ही दुर्गति में है। वो बाप ही बैठ करके समझाते हैं, नहीं तो जो भी हो उनसे जाकर के पूछो। वो तुमको ब्रह्मांड सूक्ष्म बतन सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावेंगे, बिल्कुल कभी नहीं बतावेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो कह सके, क्योंकि वेद ग्रंथ शास्त्र उपनिषद कोई में नहीं है, गीता में भी नहीं है। बाप बोलते हैं ना कि गीता में नहीं है, क्योंकि मैं कह करके जाता हूं ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। प्रायः का भी अर्थ बताते हैं, बिल्कुल लोप नहीं हो जाता है। देवी देवताओं का चित्र तो जरूर रहना है ना, वो चित्र रह जाते हैं, फिर कुछ न कुछ उनका शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए ना, क्योंकि वो हो गए हैं तो उनका कुछ तो होना चाहिए कि वो कौन थे, जो ऋषि मुनि थे उन्हें में भी जिनकी अच्छी बुद्धि थी उस समय में द्वापर के आदि में, उन्होंने बैठ करके कुछ न कुछ बनाया है। ऐसे नहीं है कि रामायण कोई उस समय बनाया है,
रामायण तो बहुत बाद में बना है, कहने के लिए तो रामायण वाल्मीकि ने बनाया, वो तो चोर था। चोरी करने वाले डाकू द्वापर में भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि द्वापर फिर भी रजो है, जब तमो प्रधान मनुष्य होते हैं तभी तो दुनिया में चोर और डकैत होते हैं, तो लिख देते हैं डाकू। तो कोई मनुष्य ने बैठ करके ये सब गपोड़े उसमें लगाए हैं। जैसे बाबा ने कल समझाया था, ये जैसे बैठ करके एक नावेल बनाई दिया है, क्या क्या नावेल बनाई दिया है? रामायण की बात हो रही थी ना, ये रामायण एक नावेल बनाई दिया है। इनको तो नॉनसेंस नावेल कहा जाएगा। और यहां इस कलयुग में तो देखो रामायण की कितनी महिमा है, बात मत पूछो, बहुत करके रामायण सुनेंगे। जब दशहरा आता है तो सब जगह में रामायण ही रामायण सुनेंगे, रामायण सुनते जावेंगे और रोते जावेंगे। बस हाय गीता सीता चली गई, बेचारे बहुत रोते हैं। जैसे नाटक होता है तो बहुत रोते हैं, जब हरिश्चंद्र का खेल होता है उसमें उनका बच्चा जाकर के मरता है तो बहुत रोते हैं। सब दंत कथा समझते हैं कि बच्चा साकार में था वो मर गया। अब ये बेहद की बात है या हद की बात है? अनिश्चय बुद्धि होकर मर गया। तो ये दंत कथाएं हुई ना, अब ये दंत कथाएं कब होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, ये शास्त्रों की बातें हैं नहीं, ये सब बैठ करके नावेल्स बनाए हैं और ढेर के ढेर नावेल्स बनाए हैं। जबकि बाप कहते हैं जिसको भगवत गीता कहा जाता है इनसे ऊंचा तो कोई शास्त्र नहीं है, वो है ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता। ये सबसे बड़ी ती बड़ी हो गई। अच्छा बाप खुद कहते हैं इस गीता में भी जो मनुष्यों ने बैठ करके बनाई है उनमें मैं बैठ करके जो नॉलेज देता हूं वो नॉलेज तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले ही एकदम झूठ लिख दिया है। क्या झूठ लिख दिया है? कृष्ण भगवान वाच, और सो भी कृष्ण बच्चा और बच्ची। तो जब वो बड़े होते हैं शादी करके लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनमें भी तो ये ज्ञान नहीं होता है, तो फिर ये गीता कहां से आई? तो बाप बोलते हैं अगर कोई में रचयिता रचना का ज्ञान है अथवा रचयिता और रचना का ज्ञान होता तो जरूर मालिक हो जाते।
क्योंकि रचयिता और रचना के ज्ञान से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। इसलिए तुम अच्छी तरह से ढिंढोरा पीटो, शंख ध्वनि करो। इस सृष्टि भर में एक भी मनुष्य नहीं जो रचयिता और रचना के आदिमंत की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को जानता हो। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको बाप आकर के समझाते हैं। उनमें भी सब कोई ऐसे थोड़े ही बैठ करके समझाते हैं जैसे बाप बैठ करके समझाते हैं, या दादा या मम्मा या अनन्य बच्चे नंबरवार तो हैं, फिर भी फॉलो तो करना चाहिए ना, इनमें होशियार तो बनना चाहिए ना। बाप रोज आकर के समझाते हैं, फिर देखो कभी कोई आते हैं कभी कोई नहीं आते हैं, कोई नोट्स लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। ये तो फिर ऐसी चीज है ना, दूसरे के वो समझाने की बातें हैं ना। जब इस आदि मध्यंतर की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ जाएंगे तो जरूर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो ये जैसे कि हम बाप से ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान लेकर के फिर दूसरों को दान करते हैं, इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न का महादानी, फिलैंथ्रोपिस्ट। 1:10:63 की वाणी का पांचवा पेज। इस ज्ञान का फिलैंथ्रोपिस्ट कहा जाता है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं, स्प्रिट आत्मा को कहा जाता है। आत्माओं के अंदर कैसे 5000 वर्ष का पार्ट भरा हुआ है वो समझाते हैं, इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज कही जाती है। परंतु ये समझाने वाले दुनिया में एक भी नहीं है, ऐसे कोई मत समझे कि साधु संत सन्यासी कोई ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, नहीं, वो तो पत्थरों का दान देते हैं और ही पत्थर मारते हैं, लतसंग करते हैं, लात मार देते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, लतसंग कहा जाता है। क्यों लतसंग कहा जाता है? वहां जाने से ही परमपिता परमात्मा से विमुख करना शुरू हो जाता है। इसकी शूटिंग कहां होती है? है? कहां शूटिंग होती है? लात मार के भगा देते हैं, पहले ही पहले से शुरू हो जाते हैं। सिर्फ यही कहना कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्ते पत्ते में है। अभी देखो पत्ते पत्ते कहां कहां से निकले, ये तो ड्रामा है ना। बाबा कहते हैं ये गया ना, ये सेकंड हुआ ना, ये बात फिर 5000 वर्ष के बाद फिर से ही ऐसे चलेगी, पत्ते भी ऐसे ही हिलेंगे, हर एक चीज ऐसे ही होगी। देखो इसमें कितनी महीन बुद्धि चाहिए, बहुत बहुत महीन बुद्धि चाहिए। इस पर विचार सागर मंथन करने की बहुत दरकार रहती है। इसको ही कहा जाता है रात को जागना और विचार सागर मंथन करना। माना तुम्हारी कमाई ही कमाई है, इसलिए बाप कहते हैं कि तुम चुप होकर के रहो, तुमको कोई भी हाथ पैर आदि नहीं चलाना है,
शरीर तुम्हारा भले चले, इसमें कोई मना नहीं है, सिर्फ बुद्धि से काम लो कि बरोबर बाप को रचयिता को अगर कोई जान जाए तो उसके रचना के स्वर्ग का मालिक बन जाए जरूर, समझा ना। यानी बाप को जाने और बाप की प्रॉपर्टी को जाने तो जरूर प्रॉपर्टी का मालिक बन जावे, परंतु यहां तो ऐसा कोई नहीं है जो इन बातों को बतावेंगे। हाँ कहते हैं बरोबर कि मनुष्य कहां गया, स्वर्गवासी हुआ क्योंकि भगवान ने उनको बुलाया। अरे ये तो ठीक है, बरोबर है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्गवास और यहां बैकुंठ। स्वर्ग कहां होगा? अरे कौन से युग में होगा? सतयुग में होगा स्वर्ग। और बैकुंठ? बैकुंठ यहां स्वर्ग में कहेंगे है? कहां बैकुंठ होगा? संगम युग में। ये तो बात ठीक है, परंतु स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, अभी तो नहीं मिलेंगे, अभी तो पुनर्जन्म। सतयुग में पुनर्जन्म, सतयुग में, त्रेता में, कलयुग में पुनर्जन्म। भारत की बात बिल्कुल ठीक है कि बरोबर भगवान को जो याद करते हैं भगवान उनको बैकुंठ में ले जाते हैं, परंतु बैकुंठ को भी तो सतयुग में ही कहेंगे ना कि कलयुग में कहेंगे हैं? सतयुग आदि और कलयुग के अंत को संगम कहा जाता है। अभी बैकुंठ के लिए तो बैठ करके राजयोग सीखना पड़े, ऐसे ही थोड़े ही जा सकेंगे। तो बाप आकर के बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, और बाप भी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, बोलते हैं जैसे तुम आत्मा हो वैसे मैं भी आत्मा हूं, मैं परम धाम में रहने वाला हूं, मुझे कहते हैं परमात्मा माना परमात्मा। सिर्फ अक्षर मिलकर के अलग कर दिया है। कौन सा अक्षर? परमपिता परमात्मा, दूसरी कोई बात इनकी नहीं है। उनको अंग्रेजी में कहा जाता है सुप्रीम सोल, परमपिता। किनको? किनको कहा जाता है? शिव को, शंकर को, ब्रह्मा को या विष्णु को नहीं, शिव को कहा जाता है परमपिता। किसका पिता? जो भी आत्माएं हैं सबका पिता। सिर्फ मनुष्य आत्माओं का ही पिता है? नहीं, जो भी आत्माएं हैं सबका पिता, परम नाम में रहने वाला पिता, उसको आत्मा कहा जाता है। परमात्मा, परम धाम में रहने वाली आत्मा, उसको कहा जाता है परमात्मा। परमात्मा को याद करो तो परमात्मा हो जाती है ना। फिर इनका भी भक्ति मार्ग में और इस समय में जो पाठ नुदा हुआ है उस अनुसार होता है इनका। किनका? परमात्मा का। परमात्मा का पाठ भक्ति मार्ग में भी होता है या नहीं होता है? गुप्त होता है
या प्रत्यक्ष होता है? है गुप्त होता है। और इस समय भी जो पाठ अनुदा हुआ है उस अनुसार ही आता है, आएगा पूरा एकदम रात को बिल्कुल। और तो कोई किसकी वेला ना हो सकती है ना हुई है, कि तो आते ही हैं। जब आते हैं तो किसी को भी पता नहीं पड़ता है, बड़ा पता पड़ता है नहीं पता पड़ता है। इन ब्रह्मा को पता पड़ता है, ब्रह्मा को भी पता नहीं पड़ता। कृष्ण के लिए भी लिखेंगे, जन्माष्टमी के समय रात को 12 बज करके कितने समय आया, कृष्ण के लिए भी क्यों लगा दिया है, कृष्ण के लिए भी कहेंगे। और परमात्मा के लिए भी कहेंगे रात्रि के 12 बजे क्या मनाते हैं, महाशिवरात्रि मनाते हैं ना, तो टिप्पणी वाले लोग, जयंती वाले लोग टाइम बताएंगे, कृष्ण का टाइम वगैरह सब बताते हैं ना। अब इनका टाइम कहां से आ सके, और फिर पता नहीं पड़ता है कि बरोबर कोई आता है। हम लोग मुझते मुझते बहुत समय के बाद, क्योंकि मालूम तो पड़ता नहीं है कि रचयिता आया है, वो कौन सा समय है मुझने का है, सन 36 से लेकर और कब तक, अब तक मुझते आए या नहीं मुझते आए, 76 से लेकर भी मुझते आए, 40 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो वो मालूम नहीं पड़ता है कि रचयिता आ गया है पक्का पक्का। वो आकर के रचना का राज समझाएंगे, अब उसके लिए तो है नहीं। रचयिता आए करके और फट जिसमें प्रवेश करता है उनको साक्षात्कार कराए देते हैं। अर्जुन के रथ में रथी तो वो रथी आत्मा ही हुई ना, परमात्मा अर्जुन के शरीर में बैठा और उनको साक्षात्कार कराया कि विनाश भी देखो और अपना राज्य भी देखो। अच्छा, उनसे भी कोई समझा थोड़े ही जाता है, किनसे, गीता में अर्जुन की बात आई है ना, तो उससे क्या समझ जाते हैं, नहीं। ये खुशी का पारा ऑटोमेटिकली चढ़ जाता है कि ब्रह्मांड की बादशाही मिलती है, झट साक्षात्कार हो जाते हैं, बस। बाकी कोई ज्ञान नहीं होता है किनको, किसकी बात बताई, ब्रह्मा की बात बताई, उनको साक्षात्कार हो जाता है, खुशी का पारा चढ़ जाता है। परंतु ज्ञान की कोई बात बुद्धि में नहीं बैठती। भुट्टू में भुट्टू ये है कौन है, है? जैसे किसी को साक्षात्कार होते हैं ना, बहुतों को होते हैं,
सूरदास को, तुलसीदास को, रैदास को, मीरा को साक्षात्कार हुए ना, तो ऐसे ही विनाश भी, उसका भी साक्षात्कार हुआ इनको। अब विनाश तो देखा, कब होगा क्या पता, विनाश देखा है, भीषण लगा ये लड़ाई लगती है, धक से लड़ाई लगेगी, फर्स्ट वर्ल्ड वार, दुनिया में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी इसकी शूटिंग हुई, तो समझा शायद यही लगती है, सब खत्म हो जाएंगे। और क्या करें, ऐसे तो बाबा ने नहीं बताया कि नहीं विनाश के लिए तो बहुत टाइम लगा हुआ है, ये कोई ज्ञान तो दिया ही नहीं, तो कैसे समझें। हाँ, अंत तक समझना है कि टोटल विनाश कब होगा, शुरू में तो सब बातें नहीं समझाएंगे ना। बाबा कहते हैं मैं शुरू में तो सब बातें नहीं समझाऊंगा, मैं तो शुरू से लेकर के जहां जिएंगे, जहां इनका शरीर है और जहां तक देहभान है, जीना किसमें, देहभान में जब तक जिएंगे तब तक पीते रहेंगे, वहां तक मैं ज्ञान बताता रहूंगा, जब तक ये भी कर्मातीत अवस्था को पाले। अभी समझते तो हो ना, एक दस त्रेसठ की वाणी का छठा पे ला ऐसा कहता है, जब तक ये भी कर्मातीत अवस्था को पावे और फिर नंबर वार बच्चे भी पास हों, तब फिर ये ज्ञान बंद हो जाता है। क्या कहा, ये ज्ञान कब तक चलेगा है, जब तक यह भी कर्मातीत अवस्था को पावे, कौन, ब्रह्मा, और भी क्यों लगा दिया, तुम भी और ये ब्रह्मा भी कर्मातीत अवस्था को पावे, फिर नंबर वार बच्चे पास हों। बच्चे कौन है, पास होने वाले बच्चे कौन, जो राजयोग सीखने वाले हैं, राज परिवार में जन्म लेने वाले हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जहां तक जिएंगे वहां तक शिक्षा लेते रहेंगे। अभी वहां जिया तहां पिया, कहां का अर्थ लगता है, क्या गंगा में जाकर के जल पी कर आओ, ऐसे तो नहीं है, वो तो जल है ना, होने की तो बात ही नहीं है। नहीं, इस समय में बच्चों के लिए ये बोला है कि जहां तक तुम जीते रहो वहां तक तुम पीते रहो, तो ये लंबा रास्ता है ना, सुना है ना, हमारा जीवन का लंबा रास्ता ये बाप के साथ थोड़ा लंबा है, जब तक ये बाप है, दादा जाएगा तो बाबा भी तो पहले जाएंगे ना, तो दोनों इकट्ठे जाते हैं, कौन है दादा और कौन है बाबा है, दादा माना ब्रह्मा की सोल अभी इसी दुनिया में है कि गई ऊपर, इसी दुनिया में है, और बाबा
बाबा भी इसी दुनिया में है, इसलिए बोला कि दादा जाएगा तो बाबा भी तो पहले जाएंगे ना। अच्छा, दोनों में पहले कौन जाएगा? है बाबा पहले जाएगा और दूसरी आत्मा है, चाहे ब्रह्मा बाबा ही क्यों ना हो, वो पीछे पीछे जाएंगे। इसलिए झाड़ के चित्र में किसका चित्र दिखाया है? बाबा का चित्र दिखाया है, जिसके साथ शिव का नाम जोड़ा जाता है, शंकर का नाम जोड़ा जाता है, और किसी का नाम तो नहीं जोड़ा जाता। तो दोनों इकट्ठे जाते हैं। तो बोलते हैं जहां तक जियो वहां तक तुमको ये सभी बातें अच्छी तरह से समझना है और समझाना भी है। अभी तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का फैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनते हो। महादानी बनने का गायन किसका है? अरे कोई का महादानी बनने का कथा आती है? किसकी कथा है? राजा है, राजा हरिश्चंद्र की कथा आती है। तो देखो ये डबल हैं, एक की बात नहीं है। महादानी की स्टेज में दोनों हैं, एक बेसिक ज्ञान का महादानी और दूसरा एडवांस ज्ञान का महादानी। अभी तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिलैंथ्रोपिस्ट यानी महादानी बनते हो। अभी एक तो देह सहित सब कुछ बलि चढ़ते हो, इसको कहा जाता है महादानी, यानी सब कुछ चढ़ा दे। बलि चढ़ी ईश्वर के साथ, ये हुआ विनाशी धन का फिलैंथ्रोपिस्ट। कौन हुआ है विनाशी धन का फिलैंथ्रोपिस्ट महादानी? कौन हुआ? यह हुआ। कौन है? ब्रह्मा बाबा। सन्यासी तो ऐसे नहीं करते हैं, नहीं, वो तो पीछे से दान लेते हैं, लेते रहते हैं कि देते भी हैं, है लेते रहते हैं। ये कहते हैं कि नहीं, तुम बच्चों को डबल दानी बनना है। लोक की दुनिया का भी जो धन संपत्ति है वो सब देना है और साथ में ईश्वरीय ज्ञान रत्नों का भी दान करना है। एक तो तुम्हारा जो कुछ भी है वो सब तुम मेरे ऊपर बलि चढ़ाओ, यानी फिर उनका ट्रस्टी बन जाओ। क्योंकि ट्रस्टी बनकर क्या करेगा? कोई ऐसे थोड़े ही है। हम जनक से राजा से लेकर के बलि चढ़ करके मैं उनकी राजाई संभालूंगा? नहीं, मैं संभालूंगा क्या? नहीं। फिर कहते हैं याद रखो, तुमको बलि चढ़ना है, जो तुमने क्रिएट किया है वो बच्चे तो तुमको ही संभालने हैं। ऐसे नहीं कि बच्चे पैदा कर दिए और यज्ञ में अर्पण कर दिया, तुम उनको संभालने से बच गए, बाबा बच्चे भी संभालेंगे। नहीं, रचना रची है, उनकी तुमको ही पालना करनी है। तो फिर यहां धन दे करके पालना कैसे करेंगे? है अगर सारा धन यहां यज्ञ में दे देंगे तो जो तुमने अपनी रचना रची है बच्चों की, उनकी पालना कैसे करेंगे? है नहीं, ऐसे नहीं कि तुम सारा धन यहां दे दो तो फिर कहते हैं कि बच्चे
मेरी मत पर चलती रहो, जैसे मैं रास्ता बताऊं वैसे चलती रहो। फिर कहा भी तुम्हारा जो धन दान करते हो देखो कोई पाप के काम में नहीं आवेगा। अगर कोई पाप आत्मा को धन देंगे तो उस धन से जो पाप करेंगे वो पाप तुम्हारे सर पर भी चढ़ जाएगा। क्योंकि दान भी जब दिया जाता है तो कायदा है कि पात्र को दान दिया जाता है, कुपात्र को दान देना नहीं है। समझो, कोई को दान दिया और उसने उस दान से बीड़ी पीना शुरू कर दिया, शराब पीने लगा, गंध खाने लगा, ये किया वो किया, वो पाप देने वाले के सिर पर भी आ जाएगा। समझा ना? अभी इस समय कोई भी पुण्य आत्मा तो है ही नहीं, है इस दुनिया में कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है। अच्छा समझो, ब्राह्मणों को देते हैं, वो ब्राह्मण भी तो पाप करते रहते हैं कि सदा पुण्य करते हैं, है श्रीमत पर चलते हैं तो पुण्य होता है, और मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं तो पाप हो जाता है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाते रहते हैं, उल्टा ज्ञान सुनाते रहते हैं। झूठी सत्यनारायण की कथा ये क्या सुनाते हैं ब्राह्मण, सब झूठी कथाएं। अच्छा, सत्यनारायण की झूठी कथा सुनाने की शूटिंग होती है या नहीं है? होती है। कैसे, कौन करते हैं, है कैसे? वो बीके वाले झूठी सत्यनारायण की कथा कैसे सुनाते हैं, है कौन कौन है सत्यनारायण उनकी दृष्टि में? ब्रह्मा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा को सत्यनारायण बनाए देते हैं। अब सत्यनारायण सत्य कथा सुनाने वाला सतयुग में होगा या संगम में होगा? संगम में होना चाहिए। ये सब झूठी कथाएं, उल्टा ज्ञान सुनाते रहते हैं। तीजरी की कथाएं, सत्यनारायण की कथा, ये सब झूठी कहते हैं। क्योंकि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, तो वो झूठ बोलते रहते हैं तो वो भी पाप आत्मा ठहरे। अब पाप आत्माओं को तो दान दिया नहीं जाता है। बाप फिर कहते हैं, बच्चे तुम ट्रस्टी बन जाओ, बाबा की मत पर अपना घर संभालो। परिवार बाल बच्चे संभालो, ऐसे नहीं सारा धन यज्ञ में दे दो, फिर बच्चे कैसे संभालेंगे? तो तुम्हारी कहां भूल ना हो जाए, तुम्हारे तन मन धन से कोई कर्तव्य कार्य ना हो जाए, इसलिए बाप से राय पूछ करके काम करते रहो। कोई ऐसे नहीं कहते हैं मकान न बनाओ या महल न बनाओ या एरोप्लेन में नहीं चढ़ो, मोटर में चढ़ो। बहुत बच्चे हैं जो मोटर में घूमने फिरने जाते हैं, या इनके बाप दादा के पास मोटर ही नहीं है, रखते ही नहीं है। यहां तो बल्कि बाप फिर कहते हैं, बच्चे मैं तुमको बादशाह ही देता हूं, इसलिए क्योंकि तुम मोटर भी देंगे तो शिव बाबा को देंगे ना, केन को देंगे,
यहाँ बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारी मोटर वोटर नहीं चाहिए, ये मोटर वोटर हमको ना दो, तुम भले मोटर में चढ़ो, एरोप्लेन में भी चढ़ो, सिर्फ श्रीमत पर चलो और कोई भी बात नहीं। अपनी धन दौलत जो है उनसे क्या क्या करो, कुछ भी करो, फिर राय देते रहते हैं कि तुम्हारे से कोई भी पाप न हो जाए, क्योंकि तुम तो पुण्यात्मा बनते हो, ये है पापात्माओं की दुनिया, उनको कहा जाता है पुण्यात्माओं की दुनिया, तो ऐसे कोई लेते नहीं है। हाँ बच्चे हो और तुम लोगों को ये बैठ करके सेंटर जमाना है और घर घर को स्वर्ग बनाना है, अस्पतालें खोल ली हैं, कौन सा अस्पताल, रूहानी हॉस्पिटल खोलना है, तुम खोलते जाओ और बनाते जाओ। देखो आबू में भी तो ये बनते हैं ना, किस लिए बनते हैं है? आबू में जो इतनी बिल्डिंगें बनती हैं वो किस लिए बनती हैं है? बच्चों को ठहरने के लिए, बच्चे जाते हैं बोलते हैं वाह जब भी ये पढ़ेंगे ये अत्याचार होंगे मार पड़ेगी तो ये बिचारियां कहां जावेंगी है? ऐसा भी टाइम आवेगा नंगा करके घर से बाहर निकाल देंगे तो कहां जावेंगी, वो तो बोलेंगे फिर भी मम्मा बाबा के पास जावे, क्योंकि तुम्हारा यादगार पहले से ही आबू में बना हुआ है। क्या यादगार बना हुआ है, हैं? हाँ बाल बच्चे के सहित कहां जाकर के डेरा जमाया, आबू रोड में है, कहां जमाया, अरे दिलवाड़ा में जमाया ना, एक दस तिरसठ की वाणी का सातवां पेज। तो इससे सिद्ध होता है कि तुमने तपस्या भी वहां की है, कहां है, दिलवाड़ा में तपस्या की है, जहां तपस्या की है वहां पिछाड़ी में तुमने रहवास भी किया है, पहले और मध्य में नहीं, तुमने कब वहां रहवास किया, पिछाड़ी में। ये भी तुम्हारे शास्त्र में नुदा हुआ है कि जब ये पांडव रहे थे तो भीलों ने आकर के लूटा था, भागवत में भी है। इससे सिद्ध होता है कि पिछाड़ी में भी वहां रहना है, कहां, जब वो लूट लाट लेंगे तो कहां जाके रहेंगे हैं? बाप के घर में तो जगह रहेगी कि बाप के घर में भी ठिकाना नहीं मिलेगा हैं? मिलेगा तो पिछाड़ी में वहां रहने के लिए भी तो मकान चाहिए, कहां, दिलवाड़ा में। तो मकान भी तुम बच्चों के लिए हैं, गॉडफादर शिवा डियर मोस्ट बेलेबल्ड चिल्ड्रन एवरीथिंग इज फॉर यू। ये जितने भी मकान बने हैं माउंट आबू में या आबू रोड में वो किसकी प्रॉपर्टी है, हैं? जिन्होंने बनाई है उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुम्हारे काम आने वाली है, सृष्टि की बादशाही तुमको मिलती है, फिर तो तुम और क्या करेंगे, तुम्हारा कनेक्शन तो शिव बाबा के साथ है, हम शिव बाबा के ऊपर बलि चढ़ते हैं, शिव बाबा हमारे लिए यहां मकान तो बनवाना कहते हैं ना, कहां है,
दिलवाड़ा में जमीनें खरीदी हुई हैं कि नहीं? खरीदी हुई है। तो कहते हैं शिव बाबा हमारे लिए मकान तो बनवाना, करण करावन हार है ना, करते भी हैं और तुमसे कराते भी। कभी भी ऐसे मत समझना कि दादा से हमारा लेन देन का कनेक्शन है, नहीं, हमारा लेन देन का कनेक्शन सारा किससे है? शिव बाबा से। तुम्हारे दादा का भी शिव बाबा से लेन देन का कनेक्शन है। कौन है तुम्हारे दादा? ब्रह्मा बाबा। वो कहते हैं तुम्हारा भी शिव बाबा से कनेक्शन है। कभी भी तुमने शिव बाबा के बदले में दादा को समझ लिया तो तुम्हारा दान सारा व्यर्थ चला जाएगा। यानी जो मदद करते हो वो जैसे कि व्यर्थ हो जाएगी। तुमको कारोबार है ही शिव बाबा से, खाता ही तुम्हारा शिव बाबा से, तो राय देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे करो, क्योंकि है तुम सारा तुम बच्चों के लिए, तो उसमें गरीब भी आएंगे। गरीब हैं सबसे अच्छे, वो मेरे को और ही प्यारे हैं। तो वो गरीब जिनके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, धन संपत्ति ही नहीं है, बैंक बैलेंस ही नहीं है, वो कहां जा देंगे? वो सबसे अच्छे हैं, वो मेरे को और ही प्यारे, वो भी तो वहां आएंगे ना। कहां? दिलवाड़ा में ही आवेंगे ना। तो उनके लिए इस समय ये बनाने चाहिए। किस समय? संगम युग में ही, बाबा की प्रत्यक्षता होने से पहले ही बनाए लेना चाहिए। पिछाड़ी में बिचारे आएंगे। विवेक कहता है, ड्रामा कहता है, देखो आएंगे जरूर, जरूर वहां बहुत रहेंगे। हैं? कहां बहुत रहेंगे? हैं? अभी तो बड़े बड़े शहरों में बहुत रहते हैं, फिर कहां रहेंगे? हैं? तब तो वो कुछ लूटा है ना। अच्छा, अभी बच्चों का टाइम तो हुआ है, बाबा ने आज अच्छी तरह से समझाया था, क्योंकि परमात्मा, परमात्मा जिसको कहते हैं वो कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। हैं? भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? हैं? शिवलिंग को बड़ा लंबा चौड़ा बनाई देते हैं। ये किस बात की यादगार है? हैं? अरे उनका बड़ा लंबा चौड़ा पार्ट है, लंबा चौड़ा नहीं है, लेकिन पार्ट बड़ा लंबा चौड़ा है। वो न छोटा होता है न बड़ा होता है। ऐसे नहीं है कि परमात्मा की साइज बड़ी होगी, नहीं, जैसे तुम आत्माओं की साइज, वैसे परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी परमात्मा की साइज। लक्ष्मी नारायण की आत्मा कोई बड़ी थी या इस समय में कोई वो छोटी हो गई है? हैं? कि सृष्टि के आदि में लक्ष्मी नारायण की आत्मा बड़ी थी और अभी छोटी हो गई है? नहीं, आत्मा छोटी बड़ी वगैरह नहीं होती है, आत्मा तो एक ही होती है। उनकी ज्ञान की जो ज्योति है वो बड़ी हो जाती है। अभी कलयुग के अंत में आकर वो ज्ञान की ज्योति झखनी हो जाती है, क्योंकि ये तो ड्रामा है ना, कभी बड़ी ज्योति और कभी छोटी ज्योति। उनको पावन से पतित बनना ही है,
जब पावन बनते हैं तो बड़ी ज्योति, और पतित बनते हैं तो छोटी ज्योति। ये रावण उड़ने का पर काट देते हैं। कौन से पर हैं? ज्ञान और योग के पर काट देते हैं, तो आत्मा मनन चिंतन की ऊंची स्टेज में उड़ नहीं पाती है। तो देखो किसका पर काटा? आत्मा का ना। फिर कोई की भी आत्मा वापस नहीं जा सकती है, सबको आना ही है और सबको पूरा आना है। क्या कहा? कोई अधूरी आत्मा बाप के घर में चली जाएगी क्या? हैं? परमधाम जाएगी? नहीं, तब विनाश होगा। उसके पहले भी विनाश नहीं होगा। क्यों? वहां जो आत्माएं रहती हैं वो यहां एक दफा कर्म क्षेत्र पर आनी तो जरूर चाहिए ना, बाकी यहां आती रहती हैं। ऐसे नहीं समझना चाहिए बाबा आ गया है इसलिए वो आत्माएं नहीं आती। अरे बाबा के आने के बाद भी वृद्धि तो होती रहती है ना, वृद्धि तो और ही जास्ती होती है। बाबा के आने के बाद मल्टीप्लिकेशन और जास्ती होता है, बहुत होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो इनका खाना खूटे कैसे? ये तो रणिया मारते रहते हैं। हम जितना आमदनी का अन्न वगैरह का प्रारब्ध प्रबंध करते हैं उनसे जास्ती प्रजा उत्पन्न हो जाती है। तो ये बेचारे क्या करें? फिर भी कोई हद होगी ना, कहां तक ये ठहर सकेंगे? तो बाप कहते हैं कि हां जब ये ड्रामा में समय पूरा होता है और जब तुम मेरे लाडले बच्चे कर्मातीत अवस्था को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राप्त कर लेते हो और जब भक्ति मार्ग पूरा अंत होता है, जब मेरे ज्ञान का भी पूरा अंत होता है, तब फिर ये विनाश होता है। ज्ञान भी पूरा होगा और भक्ति भी पूरी होगी तब विनाश होगा। जब तक है शिव बाबा पढ़ाते रहते हैं तब तक ये सृष्टि ही और ही बढ़ती जाती है। बाकी विनाश होने से तो देख लेंगे। सन्यासी उदासी को तुम ये टैप जाकर के सुना सकते हो कि वहां ऐसी वाणी चलती है, फिर भले इनको गाली देवे क्योंकि समझेगा तो कुछ नहीं, बोलेंगे ये कहां से आया, ये सब इनकी ही टाल है, फलाना है, ऐसे ऐसे करके उड़ाए देंगे। कुछ बाज में तो उनके है ही नहीं, बाकी बाबा कोई उनसे डरते नहीं है, उनकी ग्लानी करने से बाबा को कोई डर नहीं लगता है। कोई भी सुने, कोई भी तुम्हारा गुरु गुसाई हो जिसके साथ तुम बच्चों की किसकी दिल लग गई हो, बोलो भला एक बार हमको तो बैठ करके ये सुनाओ, टैप भी ले जाओ, परंतु जाना चाहिए। कोई सयाना समझेंगे तो उनको समझा दें। बाबा की मना नहीं है क्योंकि ये मुरली तो सब जगह जाती है ना, वो पटना में किले में जाती है, वहां बड़े बड़े सन्यासी आते हैं, वो निकाल करके बैठ करके बजाते हैं, उनको समझाते हैं कि बाबा ने आज वहां ये मुरली चलाई। किसने चलाई? हैं? बाबा ने चलाई, शिव बाबा ने चलाई, ऐसे बोलो। नाम बाबा भी शिव का काम है,
कि ऐसे कोई न समझे कि ब्रह्मा ने चलाई। शिव बाबा का नाम ये प्रभु के स्मरण का काम है। कौन सा प्रभु? शिव बाबा। भाई ये शिव बाबा ने मुरली चलाई तो फिर भले कोई शिव बाबा से पूछे, उनको फिर पूछने को आना पड़े ये कैसे होता है, वो तो फट से ही बताएगा, क्योंकि वो तो बाप है ना, सबका बाप, और एक ही बाप होगा ना सारी दुनिया का। सभी पत्थर, पत्ता, पत्ते, उनमें व्यापक कह देते हैं। ये कहां की बात हो गई? तो ये भी आएंगे। ये ज्ञान जब परिपक्व अवस्था में हो जाएगा तब तुम्हारी ताकत होगी। ये सब भीष्म पितामह, ये द्रोण, ये सब नाम उन्होंने रख दिए हैं। कोई वो नाम नहीं होंगे। क्या कहा? भक्ति मार्ग में जो नाम रखे गए हैं, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ये नाम नहीं होंगे। ऐसे मत समझना, भीष्म पितामह जब तक नहीं होंगे नाम नहीं बताएगा, हम ज्ञान नहीं देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करना कोई। ये तो उन्होंने नाम रख दिए, सन्यासी, राजाएं, रजवाड़े, जो जो हमारे घराने के होंगे वो सब तुम्हारे पास आएंगे, पूछेंगे और इस ज्ञान को उठावेंगे। कोई तो सुन करके ऐसे ही चले जावेंगे, क्योंकि चले जाना है, क्योंकि वो स्वर्ग का पद तो पाएंगे नहीं। बाकी है सभी धर्मों के लिए, सिर्फ तुम्हारे भारत के लिए नहीं है। क्या ये ज्ञान सभी धर्मों के लिए है? वो तो साहब का बाप है ना, वो बोलता है जो जो मुझे याद करेंगे, और ड्रामानुसार याद भी वो ही करेंगे जो मुक्ति को पाने वाले होंगे और ज्ञान को याद करेंगे, जो जीवन मुक्ति को पाने वाले होंगे, और जो नहीं करने वाले हैं वो हिसाब किताब चुकतू करके फिर वापस चले जाएंगे। होली, होलिका, भंबोर को आग लगनी है, यानी वो भी तो छोटा है ना। होली के दिन सबके घर घर में आग जगती है, फिर समझते हैं, परंतु अर्थ तो जानते ही नहीं। कोई से पूछेंगे, होलिका का भी कोई किताब होगा, उसमें क्या क्या लिखा हुआ होगा। बाकी ये बात नहीं होगी जो बाप बैठ करके समझाते हैं कि सारे भंबोर को आग लगनी है। अभी आग सारे भंबोर को तो सिर्फ अंत में लगती है ना, आर्थिक से, कैलेमिटी से, मूसलाधार बरसात से। मूसल किसको कहा जाता है? ये एटमिक बॉम्ब्स, उनकी भी बरसात, और वो बरसात भी मूसल अक्षर वहां से निकला है। कहते हैं पेट से मूसल निकले, वो पानी तो नहीं हुआ ना, वो मूसल और फिर फ्लड्स जिसको जलमयी कहते हैं, वो तो पानी से होगा ना। बाबा ऐसे कहते हैं, देखो ये भी सुनते हैं और साथ तुम्हारी मम्मा भी सुनेगी, क्योंकि समझाते हैं उनके पास। क्या कहा? जो बाबा समझाते हैं वो ये भी सुनेंगे। कौन? ये भी सुनते हैं। ये माने कौन? ब्रह्मा बाबा भी सुनते हैं और तुम्हारी मम्मा भी सुनेगी। क्या? बाबा जो समझावेंगे नई नई बातें, वो ब्रह्मा भी सुनते हैं और मम्मा भी सुनेगी। कैसे? वो तो सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, अब कैसे सुनेगी है? ब्रह्मा बाबा तो प्रवेश कर जाते हैं चंद्रमा के रूप में, शंकर के मस्तक पर चंद्रमा दिखाते हैं, तो मस्तक में बैठा हुआ होगा ना, सुनता होगा।
मम्मा कैसे सुनेगी? अरे नहीं, जगदम्बा में तो ब्रह्मा बाबा प्रवेश करते हैं, तो महाकाली के मस्तक पर क्या दिखाया जाता है? चंद्रमा दिखाते हैं। परंतु मम्मा कैसे सुनेगी है? उनके पास समझाते हैं। कौन? शिव बाबा समझाते हैं। कैसे समझावेंगे? मम्मा छोटी मम्मा में प्रवेश करती है तो समझाती है। कल पहले भी ऐसे ही रामानुसार यहां आए हुए हैं है? मम्मा अभी यहां आई हुई है, ओम राधे मम्मा, नहीं? लेकिन आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो जरूर। तो ये भी ना ड्रामा में पार्ट था, तब इस घर में आकर के बैठे हैं, नहीं तो पहले मालूम था क्या? ना आए, ये ड्रामा में राज था कि इस घर में आकर के ये हॉस्पिटल खोलेगी। ये बड़ी हॉस्पिटल है, कोई बिरला समझे, ऐसे मत समझो। जिनकी हॉस्पिटल है वो कोई निश्चय बुद्धि हो सकता है। क्या कहा है? ऐसे भी नहीं समझना कि जिनकी ये हॉस्पिटल खुलती है, बनाते हैं हॉस्पिटल, उन सबकी बुद्धि में ये बैठ जाएगा। नहीं, सभी निश्चय बुद्धि नहीं हो सकते हैं। अगर निश्चय बुद्धि हो जाए तो हो सौभाग्य, निश्चय बुद्धि वाले का पारा पधरी हो जाता है। अभी बाप दादा, मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग, और सिकिल्ले का अर्थ कितना सहज है, समझने का है। वो ही मिलेंगे जो कल पहले स्वर्ग में थे, पहले आए हुए थे और जिनको पढ़ाया था, जो भस्म हुए पड़े थे उनके ऊपर फिर जाकर के ज्ञान अमृत की बरसात की। गाया भी जाता है सागर, तुम सागर के बच्चे हो ना, अभी ज्ञान सागर के डायरेक्ट बच्चे हो ना। क्या कहा? कहां भस्म हुए पड़े थे? सागर के किनारे। किसने भस्म कर दिया था? कहते हैं कपिल मुनि ने भस्म कर दिया था। तो वो सागर का किनारा कौन सा है जहां भस्म हुए पड़े थे है? गंगा सागर का किनारा, वहां कपिल मुनि का बहुत बड़ा मंदिर है। तो तुम सागर के बच्चे हो ना, अभी ज्ञान सागर के डायरेक्ट बच्चे हो। बरोबर हम ज्ञान सागर के जो इस समय बच्चे हैं, तो बरोबर हम गोरे बनते हैं, राजा ही करते हैं ना। अभी ज्ञान सागर की ज्ञान शिक्षा पर बैठे हैं और बरोबर राज भाग लेंगे, गोरे बन जाएंगे। पीछे ज्ञान सागर के बच्चे ड्रामा अनुसार द्वापर से फिर काम शिक्षा पर बैठ जाएंगे, फिर इस मुआफिक जल भरेंगे, कब्रस्तानी बन जाएंगे। फिर ये ड्रामा के अनुसार बाबा आएगा इसको समझाने की। कभी भी कोई मुझ होवे न समझे तो बाबा से पूछ सकते हो। क्या कहा? पूछ सकते हो कि हम ही ज्ञान सागर के बच्चे, हम ही कब्र दाखिल हैं जो फिर हमको परिस्थानी बनाते हैं, फिर आधा कल्प परिस्थानी तो आधा कल्प फिर माया के कब्रस्तानी बन जाते हैं। परिस्थान का भी समझाया कि कैसे हम नीचे उतरते हैं, कब्रस्तानी भी कैसे बनते हैं, फिर परिस्थानी कैसे बनते हैं। ये राज बाबा के सामने आकर के समझो। अगर समझ में नहीं आता है तो ओम शांति।